जॉब कर रहा था, जॉब पे मैं 50 to 52,000 सैलरी ले रहा था। तो उस वक्त मेरे लिए एक बहुत मुश्किल घड़ी थी कि मैं जॉब छोड़ के जो है कोर्स की तरफ आ रहा हूँ। जो थर्ड क्लास थी मेरी FBA मास्टरी की, उसमें जो है मैंने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट हंट किया। होम एंड किचन ऐसी कैटेगरी है जिसको रैंक करना बहुत ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज। बिल्कुल, देखें पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन है। डिग्री कंप्लीट की मैंने तो 6 मंथ्स तक तो मैं ऐसे ही रहा, 4 to 5 मंथ्स तक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में एक नए इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, पिछले दिनों हमने एक इंटरव्यू किया था जिसमें हमने PPC और PPC रैंकिंग के हवाले से बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू की थी। लोगों ने उसे बड़ा पसंद भी किया और बहुत कुछ सीखा भी उससे। आज जो इंटरव्यू हम करने जा रहे हैं, इसमें हम ये ज़रूर जानेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग लोगों को जो इतनी मुश्किल लगती है उसकी क्या वजह है, और कौन से 2 या 3 स्किल्स अगर अपने अंदर डेवलप कर लिए जाएं तो आप भी प्रोडक्ट हंटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं। आइए आज के मेहमान से मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने अपने कोर्स के दौरान ही 5 प्रोडक्ट हंट कैसे किए, और ये किस किस तरह से किस प्रोडक्ट कैटेगरी में काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ इनकी कामयाबी के पीछे असल में कौन से स्किल्स हैं, ये सब बातें इस इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी। आइए इनसे मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद उमर मुर्तज़ा साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, मुझे ये बताइएगा कि बड़ा मुश्किल होता है किसी भी इंसान के लिए अगर वो किसी जगह पे जॉब कर रहा हो, अपनी जॉब को छोड़ के कोई भी और काम शुरू करना, लेकिन आपने अपनी प्राइवेट जॉब को छोड़ के ई कॉमर्स का रुख किया, इसके पीछे क्या वजह थी? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स मी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं 2021 जनवरी में मैंने अपना मास्टर्स कम्प्लीट किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इस्लाम यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने एक प्राइवेट फर्म को ज्वाइन किया, और सितंबर 2021 में वन ऑफ माय कज़न सिस्टर, शी इज़ लिविंग इन UK, तो उन्होंने मुझे इनेबलर्स के बारे में बताया। फैमिली में आई, उन्होंने मुझे बताया कि इनेबलर्स क्या है। डिफरेंट फेसबुक पेजेस इनेबलर्स के बारे में उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि इनेबलर्स क्या है। तो जॉब कर रहा था, जॉब पर मैं 50 to 52,000 सैलरी ले रहा था, तो उन्होंने मेरे वाले साहब को आके कहा कि आप इनको जो है इनेबलर्स की तरफ लेके आएँ। तो मैं इनेबलर्स में, उन्होंने कहा कि आप कोर्स करें, पेड कोर्स करें। तो मैंने कहा उसके लिए पहले मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी, डेफिनेटली उनकी टाइमिंग्स डिफरेंट होंगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि वीक में एक क्लास होती है, तो मैंने इनेबलर्स ज्वाइन कर लिया। FBA मास्टरी कोर्स मेरा था, और इसी के साथ जॉब जो है वो मैंने जब कोर्स कर रहा था सेकेंड वीक में मैंने जॉब लेफ्ट कर दी। तो उस वक्त मेरे लिए एक बहुत मुश्किल घड़ी थी कि मैं जॉब छोड़ के जो है कोर्स की तरफ आ रहा हूँ, और मुझे ये भी नहीं अंदाज़ा था कि कितने मंथ्स के बाद मेरी अर्निंग स्टार्ट होगी। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब कोर्स कर रहा था तो मुश्किलात भी आती हैं डेफिनेटली। जब आप किसी लाइफ में किसी चीज़ की तरफ जाते हैं, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, तो उसमें काफ़ी मुश्किलात भी आती हैं। तो यही था कि जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया सेकेंड वीक में मैंने जॉब लेफ्ट कर दी, और मैं फिर चलता गया। पेशेंस मैंने अपने अंदर रखा कि यार हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता मैं हासिल कर लूँगा। और थर्ड वीक, जो थर्ड क्लास थी मेरी FBA मास्टरी की, उसमें जो है मैंने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट हंट किया। प्रोडक्ट हंटिंग करके करके उसके बाद मैंने प्रोडक्ट हंट किया, और एट द एंड ऑफ माय कोर्स मैंने 4 to 5 प्रोडक्ट्स जो है विनिंग प्रोडक्ट्स हंट करके उनको सेल आउट भी कर दिया। और मैंने जो मेरी फ़ीस थी, आई थिंक कि मैंने 5 बच्चों की फ़ीस जो है वो अर्न कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे ये बताइएगा कि आप शायद इनेबलर्स के पहले या दूसरे ऐसे स्टूडेंट हों, कम ही स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने कोर्स के दौरान 5 प्रोडक्ट सेल कर दें, ये इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी, क्या स्किल्स थे, किस तरह से आपने ये किया? अच्छा सर, एक चीज़ ये है कि हर बंदे की अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं। तो मैंने जब कोर्स स्टार्ट किया तो प्रोडक्ट हंटिंग में मेरा इंटरेस्ट डिवेल्प होता गया, और प्रोडक्ट हंटिंग में जो है मैं एक्सपर्ट हो गया। उसमें ये है कि मेरे जो मेंटोर्स थे उनकी काफ़ी सपोर्ट थी। जैसे कि आपको पता है इनेबलर्स जो है वो एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है। उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, और जो है मैं प्रोडक्ट हंटिंग में उन्होंने मुझे डिफरेंट आइडियाज़ बताए कि किस तरह प्रोडक्ट हम हंट कर सकते हैं। सर, मैं चाहूँगा कि आप प्रोडक्ट हंटिंग के जो आइडियाज़ हैं उनमें से कोई चीज़ें हमारे साथ शेयर करें कि क्या किस तरीके से इसको आसान किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास भी जब आते हैं
तो वो कहते हैं कि ई कॉमर्स बहुत ईजी है लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग उसकी हमें समझ नहीं आती, या वो बड़ा मुश्किल है, या उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं चाहूँगा कि आप चूँकि यहाँ पर मौजूद हैं, जिसने अपने कोर्स के दौरान ही 5 प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर दिए, तो आप बताएं। अच्छा, उसमें ये होता है कि हम प्रोडक्ट हंटिंग जब कर रहे होते हैं उसमें जो हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं फॉर PL जंगल स्काउट एंड हीलियम टन, उसमें सबसे पहले तो हमने फ़िल्टर्स का ख्याल करना है कि हम फिल्टर्स कौन से लगा रहे हैं। फ़िल्टर्स का लाजमी ख्याल, बिल्कुल फ़िल्टर्स का हमने ख्याल रखना है। और हमने कीवर्ड आइडियाज़ जो हैं वो हम हीलियम से भी ले सकते हैं, जंगल स्काउट से भी ले सकते हैं, लेकिन जो मेन फोकस होता है वो फ़िल्टर्स का होता है कि हम फ़िल्टर्स क्या लगा रहे हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ अगर फ़िल्टर्स और कीवर्ड्स पे काम कर लिया जाए तो आपकी प्रोडक्ट हंटिंग बहुत आसान हो जाएगी। इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं आती प्रोडक्ट हंटिंग में? प्रोडक्ट हंटिंग में इसके ये प्राइवेट लेबल का मैंने आपको बताया, जंगल स्काउट और हीलियम टन। इसमें हीलियम टन में जो है वो ब्लैक बॉक्स और मैग्नेट से हम जो है कीवर्ड आइडियाज़ लेते हैं, और जंगल स्काउट से जो है हम वो कीवर्ड स्काउट से लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आपने 5 प्रोडक्ट लॉन्च कर दी तो ज़्यादातर आपकी जो प्रोडक्ट्स थी वो किस कैटेगरी की थी? होम एंड किचन एंड ऑफिस सप्लाइज। सही, तो ये होम एंड किचन में ज़्यादातर लोग क्यों वहाँ से प्रोडक्ट चूज़ करते हैं? क्या ये कैटेगरी बहुत ब्रॉड है, क्या वजह है? बिल्कुल, ये कैटेगरी ब्रॉड है, और सेकेंडली होम एंड किचन ऐसी कैटेगरी है जिसको रैंक करना बहुत ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज, और इस होम एंड किचन में हमें प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मिल जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आपने जॉब छोड़ी तो क्या घर वालों की तरफ से या इर्द गिर्द के लोगों की तरफ से एक डीमोटिवेशन का आपको सामना करना पड़ा कि यार आप अच्छी भली जॉब कर रहे हैं, या आप किस चक्कर में पड़ गए, या आपने आसानी से चीज़ों को कॉप अप करके इनेबलर्स को ज्वाइन कर लिया? नहीं, वो मैंने पहले आपको बताया ना कि मेरी कज़न जो थी UK में, वन ऑफ माई कज़न सिस्टर, उन्होंने मुझे बताया इनेबलर्स के बारे में। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल ये नहीं कहा था कि आप जॉब लेफ्ट कर दें। सही। उन्होंने तो मुझे ये कहा कि आप कोर्स करें, जब आपको लगे कि आप वहाँ से अच्छी अर्निंग आपकी स्टार्ट हो गई है तो फिर आप जो है जॉब लेफ्ट कर दें। लेकिन मैंने शायद वो जज्बाती फैसला लिया, मैंने जॉब जो है वो लेफ्ट कर दी। तो उसके बाद लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो वालिद साहब हैं उनकी काफ़ी सपोर्ट रही मेरे साथ, उनकी दुआएँ रहीं मेरे साथ, और आज शायद मैं जो कामयाब हूँ तो मेरे वालदैन की दुआएँ और इनेबलर्स का सपोर्टिव एनवायरनमेंट की वजह से मैं आज इस जगह पे हूँ। सर, इनेबलर्स ने आपको किस किस तरह से सपोर्ट किया, कैसे आपको महसूस होता है कि एक आम इदारे से इनेबलर्स मुख्तलिफ हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इनेबलर्स में जैसा कि आपको साकिब अज़हर साहब, आजकल हम पोस्ट भी देख रहे हैं फेसबुक पे, वो इस मामले में बहुत सख्त हैं सर साकिब अज़हर साहब के, जो भी स्टूडेंट इनेबलर्स में आता है ना उसकी सपोर्ट के मामले में, तो उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। मतलब वो एक कहते हैं ना कि आप किसी इन्वायरमेंट में जाते हैं ना, तो वो जो आप घर में इन्वायरमेंट ले रहे होते हैं ना एक माँ बाप वाला, कि आपको सपोर्ट भी दे रहे हैं, तो उस्ताद भी जो होता है ना वो एक रूहानी बाप होता है, तो उन्होंने वो एक रूहानी बाप वाला जो उनका था तो उन्होंने पूरा किया। सर, साकिब अज़हर साहब के विजन को आप कैसे देखते हैं आजकल के दौर में, जहाँ बिज़नेस भी उस तरह से नहीं चल रहा जिस तरह से चलना चाहिए, वहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं लोगों को इनेबल करने की, एक स्किल सेट देने की, तो उनके काम को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखें पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन है। जैसा कि मैंने आपको खुद अपने बारे में बताया कि जब मैं डिग्री कंप्लीट की मैंने, तो 6 मंथ्स तक तो मैं ऐसे ही रहा, 4 to 5 मंथ्स तक, तो कंपटीशन का दौर है बहुत ज़्यादा, तो जॉब्स भी नहीं है हमारे पाकिस्तान में। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है इनेबलर्स के बाद, कोई ऐसा इदारा मुझे नहीं लगता कि जो इतना सपोर्टिव इन्वायरमेंट दे, और जो बच्चा जो है वो अपने आप को ग्रूम कर जाता है बहुत जल्द एज में। सर, मुझे ये बताइएगा कि इस सारे सफ़र में कौन से 3-4 स्किल्स आपने ऐसे सीखे जिसकी वजह से आप आज इतनी कामयाबी के साथ काम करें? अच्छा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हर बंदे की कुछ एक्सपर्टीज़ होती हैं, तो मेरी एक्सपर्टीज़ जो थी उसमें प्रोडक्ट हंटिंग थी, प्राइवेट लेबल, और ड्यूरिंग द कोर्स जब मुझे होल सेल के क्लाइंट्स मिल गए, तो मैंने आपको बताया कि इनेबलर एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट है, तो मेरे मेंटोर्स ने मुझे सपोर्ट दी उसमें होल सेल के क्लाइंट्स में भी। तो इसमें जो आप जो स्किल्स की बात कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिससे मैं कामयाब हुआ या मैंने प्रोडक्ट हंट्स किए, तो एक वो प्रोडक्ट हंटिंग है जिससे मैंने प्रोडक्ट हंट करके किए। दूसरा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए ना वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जब आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो आप अपने अपना जो आपका लुक है वो इस तरह दें। सबसे पहले तो आप जब भी किसी क्लाइंट से बात करते हैं ना, तो आप उसको सबसे पहले यही बात करें कि जी आप मीटिंग में आएँ, उससे वीडियो कॉल करें, फेस इंटरेक्शन करें उसके साथ, जो फिर कम्युनिकेशंस आपकी जो है ना उसके स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपसे उससे बात करने का।
तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात है। सर आखिर में जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं, आप उन्हें क्या गाइडलाइंस देंगे कि वो क्या गलती करते हैं आपके ख्याल में, जो नए लोग आते हैं ई कॉमर्स को ज्वाइन करते हैं, कहाँ पे उनकी मिस्टेक होती है जिसको वो अगर ठीक कर लें तो वो बहुत जल्दी कामयाबी की तरफ जा सकते हैं? बिल्कुल, जो भी न्यू बी आता है ना, जो ई कॉमर्स ज्वाइन करता है, इनेबलर्स ज्वाइन करता है, तो मैं सबसे पहले ये बात करता हूँ कि इंसान के अंदर सब्र होना चाहिए। जिस तरह मैंने जॉब लेफ्ट कर दी और मुझे 2 हफ्ते लगे प्रोडक्ट हंडिंग में, अगर मैं चाहता तो वह 1 हफ्ते बाद स्टक हो जाता कि यार ये क्या चीज़ है, मुझे नहीं समझ आ रही। तो इसमें पेशेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, और इंसान जब स्ट्रगल करता है तो अल्लाह पाक। सर आपके मामले में तो वैसे पेशेंस वाला भी मामला नहीं हुआ, आपने तो ड्यूरिंग द कोर्स ही 5 प्रोडक्ट हंट कर लिए। बिल्कुल, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये enablers... ऐसा कैसे होता है, ऐसा कितना कितने परसेंट चांसेस हैं कि आप ड्यूरिंग द कोर्स ही या जल्दी से ही आप प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ आ जाएं और क्लाइंट्स को ग्रैब करें? फोकस करना पड़ता है हर चीज़ पे ना। मैंने आपको पहले बताया कि हर बंदे की अलग अलग एक्सपर्टीज़ है। अब मैं काम कर रहा हूँ एज अ वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरी टीम है 4 से 5 लोगों की, तो हर बंदा डिफरेंट फील्ड में एक्सपर्ट है। कोई सोर्सिंग में है, कोई हंटिंग में है, तो कोई क्लाइंट ग्रैबिंग में है। तो इसलिए इनेबलर्स जो एक इन्वायरमेंट, जो कोवर्किंग स्पेस देते हैं ना, वर्क वर्किंग ऑन रियल कोलैबोरेशन, तो उसका मकसद यही है कि वहाँ वर्क में डिफरेंट माइंडसेट के बच्चे बैठे होते हैं, हर बच्चे की डिफरेंट एक्सपर्टीज़ हैं। और साकिब साहब भी यही, उनका भी विजन यही है जब उन्होंने वॉर जो बनाया था, कि जो बच्चे हैं डिफरेंट माइंडसेट के बैठेंगे, हर बच्चे की अपनी एक्सपर्टीज़ है, वहाँ पे एक टीम बिल्ड करें, क्लाइंट्स ग्रैबिंग करें, क्लाइंट ग्रैब के बाद आप जो आपकी टीम आपने बिल्ड की है, हर बंदे की अपनी एक्सपर्टीज़ है। कोई आपको हंट करके देगा, कोई सोर्सिंग में अच्छा होगा। सर आपकी मंथली अर्निंग इस वक्त एग्जैक्ट कितनी है? मेरी $1,200। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद उमर मुर्तज़ा साहब आपकी तशरीफ आवरी का। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई कॉमर्स के बारे में और बिलखसूस इनके काम के बारे में जानना चाहते हैं कि इन्होंने कैसे ड्यूरिंग द कोर्स ही 5 प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर दिए, तो ये इन्होंने कैसे किया इसके बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।